साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों कल 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में रेल रोको आंदोलन की घोषणा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे के लिए की है। और आप सबको ज्ञात है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसमें जो हमारी मांगे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी, इस मांग को लेकर के, इन मांगों को लेकर के ये राष्ट्रव्यापी देशव्यापी विरोध कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और जब तक हम शहीद किसानों को और उनके परिवारों को न्याय नहीं दिलवा देंगे, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा बैठने वाला नहीं है। मेरी सारे हरियाणा वासियों से, सारे देशवासियों से कल के लिए, 18 अक्टूबर के लिए ये विशेष अपील और प्रार्थना कि जो पॉइंट्स आपके वहां संगठनों ने, खापों ने, लोकल कमेटियों ने रेल रोकने के तय किए हैं, उन पॉइंट्स पर सुबह समय से ज्यादा संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी पहुंचे, वहां पर मीटिंग चलाएं, किसान पंचायत चलाएं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे के लिए ऐतिहासिक रेल रोको आंदोलन पूरे देश में चलाएं। रेल रोको आंदोलन की जोरदार तैयारियां करें, समय बहुत कम है, और शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अब जो है वो सांप्रदायिकता का षड्यंत्र रच रही है, वो आंदोलन में हिंसा चाहते हैं अपने आसपास सभी संदिग्धों का ध्यान रखते हुए, और बहुत अहिंसात्मक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से कल के रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएं, ऐतिहासिक बनाएं और लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने का काम करें और किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।